मैं अक्सर अपने वीडियोस में ये कहता हूँ कि जब भी आप कभी कोई फिश या एक्वेरियम रिलेटेड एक्सेसरी खरीदने जाते हैं तो हमेशा अपने एक्वेरियम डीलर से उसके बारे में सवाल जरूर कीजिए, खासकर जब मामला लिविंग थिंग्स खरीदने का हो। जब आप अपने लिए एक पेट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप उस सेलर से ये पूछें, उस डीलर से ये पूछें कि इस फिश को हम किस तरह के माहौल में रखें, ये किस तरह के एनवायरनमेंट से आई है, इसका रख रखाव हमें कैसे करना है, ये कितने टेम्परेचर में रहती है और इसके साथ हम कौन कौन सी फिश रख सकते हैं जो इसके लिए कंपैटिबल हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है कि आधे से ज़्यादा कस्टमर डीलर्स जो हैं उनको ये पता ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनको पता भी है उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपने कस्टमर को मिसगाइड कर देते हैं। वो अक्सर ऐसी फिश को भी कस्टमर को बेच देते हैं जो कि आपस में कंपैटिबल ही नहीं है। मान लीजिए एक कस्टमर को ऑस्कर पसंद आई और उसके साथ में दूसरे टैंक में रखी हुई रोजी बार पसंद आई, तो ये एक्वेरियम डीलर की ड्यूटी बनती है कि वो उस कस्टमर को गाइड करे कि ये दोनों फिशेस एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ऑस्कर जो है वो प्रीडेटरी फिश है और रोजी बार्ब जो है वो छोटी सी फिश है, वो ऑस्कर के साथ कंपैटिबल नहीं है क्योंकि ऑस्कर उसको खा ही जाएगी। लेकिन जो लालची डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कस्टमर उनको जो भी डिमांड करता है किसी भी फिश की, तो वो उसको पैक करके कस्टमर को थमा देते हैं और उनसे एक अच्छी खासी रकम हथिया लेते हैं, जो कि एथिकली बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं, ना कि कोई बेजान कमोडिटी है, कोई बेजान वस्तु है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि जब भी आप कभी कोई फिश खरीदने जाते हैं तो हमेशा पहले अपने एक्वेरियम डीलर से ये सवाल कीजिए कि ये कौन सी फिश है और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दो। अब इस बात को कैसे वेरीफाई किया जाए कि जो बात हमें एक्वेरियम डीलर बता रहा है वो वाकई में सही है या वो हमें सिर्फ गुमराह कर रहा है अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही उम्दा टिप बताने जा रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को बहुत काम आएगी वो और आपकी बहुत सारी हेल्प होगी उससे। जब भी आप कभी किसी एक्वेरियम डीलर के पास जाते हैं अपने एक्वेरियम फिशेस को लेने के लिए, कोई पेट अपने लिए सेलेक्ट करने के लिए, तो बहुत टाइम पहले गूगल ने एक ऐप लॉन्च करने के बारे में कहा था कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको इवन उसका नाम तक नहीं पता, लेकिन आपको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो ये ऐप आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। बहुत से लोग इस ऐप के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी तक इस ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए आज ये शेयर कर रहा हूं कि बहुत बढ़िया ऐप है। आप उसके जरिए ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ही जो एक्वेरियम डीलर ने आपको बताया है वो सही है। अगर वो सही है तो इट मींस कि आपका एक्वेरियम डीलर जो है वो जेन्युइन है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज द एक्वेरियम डीलर, सिंपल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों से बस ये गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं और सबके पास आज की डेट में इंटरनेट फैसिलिटी है, तो जब भी आप अपनी फिश शॉप पे जाएं तो उससे पहले एक काम जरूर करें। मैं आपको
सिंपल सा इस ऐप को बता रहा हूं। ये ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे जाके आपको सर्च करना है गूगल लेंस। और सर्च कीजिए, आपके सामने जो इस कुछ इस तरह का आइकॉन एक नज़र आएगा आपको, ये गूगल लेंस का आइकॉन है। अब मेरे सामने जो ऑप्शन आ रही है वो ओपन की आ रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ऐप को पहले ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगी वो इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, तो आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और ये आपके फ़ोन में ऐप्स के शॉर्टकट के साथ साथ सेव हो जाएगा। अब मेरे फ़ोन में ये देखिए, आपको नीचे से सेकंड रो में दूसरे नंबर पर ये आइकॉन नज़र आ रहा होगा। तो आप जब भी फिश स्टोर में जाएं, अपने एक्वेरियम डीलर के पास जाएं, और वहाँ पर जाकर आपको किसी फिश के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी और वर्टिब्रेट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत जो है सबसे बड़ी वो ये है कि अगर आप अपने एक्वेरियम डीलर को क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो सही दी या गलत दी, तो भी आप इस ऐप की मदद से ये वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, पहले आप उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद खुद से इस ऐप पर उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कीजिए कि जो उसने बताया क्या वो सही है। अगर तो वो सही इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो इट मीन्स कि वो डीलर ट्रस्टवर्दी है, उस पर विश्वास आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई नया एक्वेरियम डीलर ढूंढ लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। चलिए, जब आप एक्वेरियम डीलर के पास चले जाएंगे तो वहाँ जाकर आपको अपने फ़ोन में इस लेंस के ऐप को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यह एक्चुअली आपके फ़ोन के कैमरा को यूज़ करेगा। अब आपको सेंटर में एक सर्च का बटन नज़र आ रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉइंट एट ऑब्जेक्ट देन टॉप कैप्चर, टैप कैप्चर टू लर्न मोर। अब जैसे कि मेरे पास होली फिशेज हैं, तो मैं इनके बारे में मान लीजिए जानना चाहता हूँ, तो मैं इसका फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ये ऐप यूज़ करें आपका इंटरनेट डाटा ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये ऐप इंटरनेट के साथ ही काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। अब देखिए, मेरे टैप करते ही इसने नीचे जो रिजल्ट्स थे वो शो कर दिए हैं, ये मोलीज इसने दिखा दिए हैं। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये मेरे पास एक स्नेल है, देखते हैं उसको ये कैप्चर कर पाता है या नहीं। देखिए, ये एप्पल स्नेल है और इसने एग्जैक्टली वही स्नेल जो है वो रिलेटेड रिजल्ट्स जो है वो उसने शो कर दिए हैं। अब अगर आप इस स्नेल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसको टैप कीजिए, ये आपको विकिपीडिया की साइट पे लेके जाएगा। आप जब विकिपीडिया को के लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको इस वर्टेब्रेट्स की, इस एप्पल स्नेल की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। चलिए एक बार फिर से ऑन करते हैं। अभी मेरे पास देखिए ये कुछ फिशेस हैं, ये कोई है और इरेडिसेंट शार्क है, देखते हैं। कई बार ये प्रॉपरली काम नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि आपका डाटा जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। तो
तो इसको आप दोबारा से बंद करके फिर चलाएं। ये इसने रिजल्ट्स निकाल दिए, कोई शुभंकिन बटरफ्लाई कोई। और मान लीजिए अब मेरे को इसमें ये रेडिसेंट शार्क है मेरे पास, मुझे इसके बारे में पता करना है, तो देखते हैं ये बताता है। ये देखिए अब इसने रिजल्ट कुछ और बताए हैं। अगर मैं इस रेडिसेंट शार्क को क्लिक करता हूं, जब इस पे पॉइंट करता हूं, तो देखिए नीचे उसी से रिलेटेड सारे रिजल्ट्स जो है ये शो कर रहा है। और अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए इसी पिक्चर में कोई और फिश होती, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए अब जैसे मैंने इस इमेज में आप देख रहे होंगे आपके पास दो तरह की फिशेस नजर आ रही हैं, एक कोई है और एक रेडिसेंट शार्क है। अगर मैं रेडिसेंट शार्क पे क्लिक करता हूं तो ये रेडिसेंट शार्क के बताता है, और अगर मैं कोई पे क्लिक करता हूं तो ये कोई के रिजल्ट बताता है। तो ये आप इस तरह से इस ऐप को यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस प्लांट पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं कुछ बताता है, ये एक्वेरियम की डेकोरेशंस के बारे में बता रहा है। अब चलिए एक प्लांट के बारे में देख लेते हैं। मेरे पास कुछ ये देखिए एक्वेरियम प्लांट्स मेरे टैंक में रखे हुए हैं, तो देखते हैं ये बताता है या नहीं। ये मैं इनका पिक्चर ले रहा हूं, ये एक्चुअली वाटर लेट्यूस है। और ये देखिए पहली इमेज जो निकली वो वाटर लेट्यूस की निकली। इस तरह से ये ऐप आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं अपने एक्वेरियम डीलर को वेरीफाई करने के लिए। और अगर जरूरी नहीं है कि इसी हॉबी में आप यूज करेंगे इस ऐप को, आपको अगर किसी भी चीज के बारे में मालूम करना है तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मेडिसिन है, ये देखिए, अब अगर मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखिए इसने ऑलरेडी निकाल दिया कि ये कहां पर अवेलेबल है, क्या है और इसका प्राइस वगैरह, इस तरह से ये सब कुछ निकाल सकता है। तो इस तरह से आपको इस ऐप को यूज करना है। एक फीड का डेमो लेके देखते हैं। ये देखिए ये ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम की फीड है सिक्लेट्स की क्विक रेड। ये मैंने पिक्चर इसकी क्लिक की और नीचे इसके बारे में सब कुछ आ गया। देखिए बहुत यूजफुल ऐप है, आप इसको यूज करके बहुत अच्छी तरह से अपनी हॉबी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें कि उनके साथ कोई किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो रहा हो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ अक्सर लाता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ।